वेलकम टू माई चैनल कुकिंग एंड क्रिएटिविटी विद सिमरन। टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड माई फर्स्ट वीडियो। तो आज हम इजिएस्ट एंड सिंपल वे में बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने रिव्यूज जरूर देना, जिससे मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज शुरू करते हैं पाव भाजी बनाना। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे अपने इन्ग्रीडियंट्स। सबसे पहले हमें चाहिए आलू 6 से 7 उबले हुए, मटर लगभग 250 ग्राम, टमाटर 4 से 5, नींबू 2, बारीक कटे हुए प्याज 3 से 4, हरी मिर्च 6 से 7, लहसुन और अदरक का पेस्ट, अमूल बटर, पाव भाजी मसाला, लाल मिर्च, कसूरी मेथी और नमक स्वाद अनुसार। भाजी बनाना टिकम, इसे हम अच्छे से हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। अभी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। उबले हुए मटर यानी कि बॉइल्ड बीन्स, टमाटर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, याद रहे पूरी नहीं डालनी है आपको। हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा लहसुन का और अदरक का पेस्ट, उबले हुए आलू जिन्हें हमें अच्छे से मैश कर लिया है, अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, अब हम इसे भाजी मेकर की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। आप देख रहे हैं सारी सब्जियों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को हम थोड़ा कम कर देंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, इससे ये सारी सब्जियां आपस में अच्छे से मिल जाए कुछ इस तरह। Hold me close till I get up। आप देख रहे हैं हमारी सब्जियां थोड़ा अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। नमक आप थोड़ा देखकर डालिए क्योंकि बटर में भी नमक होता है। जैसे मैश कर लिया, हमें इसे अच्छे से मैश करते रहना है। इसे मैश करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। इसे लगातार इस मैशर की सहायता से बस मैश करते रहिए जब तक जिया अच्छे से मिलना जाए। ये देखिए अब हमारी भाजी पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे अलग बाउल में निकाल देंगे और अपना तड़का तैयार करेंगे। अब हमें बनाना है इसका तड़का। उसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। अब आप लोग सोच रहे होंगे पाव भाजी में ऑयल, लेकिन हाँ, अब हमें अपने प्याज को हल्का सा रोस्ट करने के लिए ऑयल को डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बटर। बटर डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। हमारा बटर यहाँ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा कप बाउल भर के प्याज, इसे मिक्स कर लेंगे, कसूरी मेथी, 3 चम्मच पाव भाजी मसाला, नींबू का रस, हाय हाय देखिए क्या, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर किया है, इससे इसकी कलरिंग बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। अब हम डालेंगे इसमें अपनी तैयार हुई हुई भाजी, इसे हम पूरा का पूरा इसमें मिक्स कर दें। अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो भाजी है वो तो काफी ज्यादा थिक हो चुकी है कुछ इस तरह से, लेकिन यार इतनी थिक पाव भाजी कौन खाता है। तो आइए डालते इसमें थोड़ा सा पानी। तो हम इसमें मिनिमम 1 गिलास पानी डालेंगे, इससे कि हमारी जो भाजी है वो अच्छे से और भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप लोग देख रहे हैं हमारी जो पाव भाजी वो एकदम सही फॉर्म में नजर आ रही है। थोड़ा सा जो बटर है
इसको और ऐड करेंगे क्योंकि बटर जो होता है वो पाव भाजी की जान होता है। तो ऐसे हमारी भाजी अब तैयार है, तो चलिए अब पाव तैयार करते हैं। अब हमें पाव रेडी करने हैं, हम अपने पाव को अलग कर लेंगे और उसको बीच में से कट लगाएंगे कुछ इस तरह से। हमने जो पहले भाजी तैयार की थी हम उसमें थोड़ी सी वो लगाएंगे। हम पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे, इसमें हल्की सी कसूरी मेथी डालेंगे और अपने पाव को इसमें फ्राई करेंगे।